प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने कोपेन महोदय द्वारा दिए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। छात्रों, भारत के जलवायु प्रदेशों को या भारत को कई विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। इन विद्वानों में स्टाम्प महोदय, केंद्रीय महोदय, कोपेन का हमने पढ़ ही लिया है, ट्रीवार था, थानथेट और भारत के अंतर्गत आरएलसीए प्रमुख हैं। हम इन प्रमुख विद्वानों के प्रमुख वर्गीकरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टाम्प महोदय द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण के बारे में। इन्होंने कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में भारत को दो अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा। कर्क रेखा के उत्तरी भाग को इन्होंने शीतोष्ण भारत कहा और कर्क रेखा के दक्षिणी भारत को इन्होंने उष्णकटिबंधीय भारत नाम दिया। कर्क रेखा का उत्तरी भाग महाद्वीपीय जलवायु वाला कहलाया और इसे आप देख सकते हैं, हिमालय, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश, मध्यवर्ती वर्षा का प्रदेश और मध्यवर्ती या संक्रमण प्रदेश, इस तरह से पांच उप विभागों में विभाजित किया। जो शीतोष्ण भारत है यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जहां जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, 18 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ पाता है और इसी 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पर इन्होंने दोनों जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया। इसी प्रकार कर्क रेखा के जो दक्षिणी भाग हैं उसमें इन्होंने, आप मैप भी देखते जाए साथ में, अत्यधिक अधिक साधारण वर्षा के प्रदेश, कोकण मालाबार तट और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश, इस तरह से छह भागों में विभाजित किया। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शीतोष्ण भारत के अंतर्गत पहला पॉइंट हम देखते हैं हिमालय प्रदेश। आप मैप में भी देख रहे हैं, स्क्रीन सामने ही आपको नजर आ रहा है, नंबर वन पॉइंट, ये पर्वतीय प्रदेश है जो उत्तरी भागों में स्थित है। इसमें कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, बंगाल के उत्तरी भाग में और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश इस संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हैं। इसी के दक्षिण में आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग वाले क्षेत्र हैं। पहला जो हिमालय प्रदेश था वहां वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर, पश्चिमी हिमालय में शिमला और पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग प्रतिनिधित्व नगर कहलाते हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत वर्षा का औसत मात्र 40 सेंटीमीटर है, अमृतसर यहाँ का प्रतिनिधित्व नगर है। तीसरा भाग शुष्क रेगिस्तानी भाग, मैप में आप देख सकते हैं नंबर तीन लिखा हुआ है। ये शुष्क रेगिस्तान या मरुस्थली भाग राजस्थान के भाग को सम्मिलित करता है, जहाँ सर्दियों में तापमान 12 से 24 और गर्मियों में 45 डिग्री तक भी पहुँच जाते हैं, औसत वर्षा मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, नंबर फोर देखिए, मध्यम वर्षा का प्रदेश, जहाँ पंजाब और हरियाणा का भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, दिल्ली, एमपी का उत्तर पश्चिमी पठारी भाग और राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र इसमें शामिल है। यहाँ वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर और गर्मियों में होती है। संक्रमण प्रदेश जो पांचवा पॉइंट है, यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी और बिहार का उत्तरी भाग इसमें शामिल है। यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस तरह से यह जो पांच पॉइंट हमने देखे हैं, ये संपूर्ण शीतोष्ण कटिबंधीय या महाद्वीपीय भारत के अंतर्गत शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत, जिसे उष्ण कटिबंधीय भारत का नाम दिया। आप इसमें देखेंगे नंबर 6 ये वाला, इसे हमने नाम दिया है अत्यधिक वर्षा का प्रदेश। ये प्रदेश मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में स्थित है। नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ वर्षा सबसे
अधिक होती है। यहीं पर मासिनराम नामक स्थान है जहाँ 1200 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। औसत देखा जाए तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर 7 आप देखिए, ये है आपका अधिक वर्षा वाला प्रदेश, जिसमें एमपी का पूर्वी, बिहार का दक्षिणी भाग, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग शामिल हैं। यहाँ जनवरी में 18 से 24 और जुलाई में 30 से 35 डिग्री तापमान रहता है और औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम देखेंगे साधारण वर्षा वाले प्रदेश, ये नंबर 8 आप देखिए। इस साधारण वर्षा वाले प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी एमपी, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट इसमें शामिल नहीं है, ये एक बात ध्यान रखना, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र का पश्चिमी और कर्नाटक का पूर्वी भाग साधारण वर्षा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है और वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहता है। इसके बाद आप जाएंगे कोंकण तट, जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है, आप मैप में देखेंगे नंबर 9। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। और इसी के दक्षिण में आप देखेंगे नंबर 10, जो मालाबार का तटीय प्रदेश है, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और अंत में तमिलनाडु का प्रदेश आता है, जिसमें पूर्वी आंध्र प्रदेश का भाग भी शामिल है। यहाँ साल भर 22 से 30 डिग्री तापमान रहता है और वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। यह एक तरह से मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। और एक विशेषता इसकी हम ये भी बता सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में लौटती हुई मानसूनी पवनों से इसी प्रदेश में वर्षा होती है। तो इस प्रकार हमने स्टाम्प द्वारा दिए गए वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं थॉर्नथ्वेट महोदय ने किस तरह से भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्णन किया और कितने भागों में इसको विभाजित किया। 1933 में इन्होंने विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था, इस वर्गीकरण के अंतर्गत इनकी जो मुख्य विशेषता इन्होंने बताई थी वो थी कि प्राकृतिक रूप से वनस्पति का प्रभाव या जलवायु के तत्वों का प्रभाव वनस्पति पर निश्चित रूप से पड़ता है। वनस्पति मिट्टी, जल आदि के प्रवाह का निरीक्षण करके जलवायु प्रकारों और उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया। दो नवीन शब्द या दो नवीन तथ्य इस वर्गीकरण में हमें दिखाई देते हैं और इन्हें हम कहते हैं वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। हम इन दो बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्षण प्रभाविता। पौधों की जो वृद्धि होती है मूलतः वर्षण प्रभाविता पर निर्भर करती है। अब ये क्या है आप समझें, कुल माह की वृष्टि को कुल माह के वाष्पीकरण द्वारा विभाजित करने से वर्षण प्रभाविता अनुपात प्राप्त होता है। अर्थात पीई अनुपात क्या है, कुल माह की वर्षा बटे कुल माह का वाष्पीकरण। तो इसका जो अनुपात आएगा वो कहलाएगा पीई अनुपात। पीई अनुपात अर्थात वर्षण प्रभाविता अनुपात। इसके द्वारा वर्षण प्रभाविता का कुल परिणाम अंकित किया जाता है। कुल 12 महीनों की वर्षण प्रभाविता के अनुपात का योग पीई इंडेक्स अर्थात वर्षण प्रभाविता सूचकांक कहलाता है। अब ये क्या करता है, इस सूचकांक की सहायता से वृष्टि के प्रभाव का अनुभव करना श्रेष्ठ होता है। थॉर्नथ्वेट ने इसी सूत्र के आधार पर पूरे विश्व को 5 आर्द्रता प्रदेशों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 5 आर्द्रता प्रदेशों में
विभाजित किया। अब यह पांच आर्द्रता प्रदेश कौन से हैं आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहला ए अधिक आर्द्र, बी आर्द्र, सी उप आर्द्र, डी अर्ध रेगिस्तानी और ई मरुस्थली। जो हमने सूचकांक ज्ञात किया है पी ई इंडेक्स, इसके आधार पर हम देखते हैं बढ़ते क्रम में जिसका सूचकांक 16 से कम है वो कहलाता है मरुस्थली प्रदेश, उसको हमने ई नाम दिया। 16 से 31 वाला स्टेपी प्रदेश डी या अर्ध मरुस्थली प्रदेश कहलाता है। 32 से 63 सूचकांक वाला सी या उपआर्द्र प्रदेश है जहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। 64 से 127 सूचकांक वाला वन क्षेत्र आर्द्र प्रदेश या बी के नाम से जाना जाता है, और ए या अधिक आर्द्र प्रदेश में वर्षा वन पाए जाते हैं और इसका सूचकांक होता है 128 से अधिक। तो ये तो थी हमारी पीई सूचकांक की बात। अब कुछ और शब्दों का इसने इस्तेमाल किया जैसे स्मॉल आर, एस, डब्ल्यू और डी। जहाँ प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है तो उसे आर शब्द द्वारा दर्शाया, गर्मियों में वर्षा की कमी को एस और सर्दियों में वर्षा की कमी को डब्ल्यू से दर्शाया, और प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी को डी से दर्शाया। तो जिस तरह से हमने अभी वर्षण प्रभाविता सूचकांक देखा उसी तरह से आर्द्रता के अतिरिक्त ताप के प्रभाव का भी निरीक्षण किया और इसे तापीय दक्षता नाम दिया। तापीय दक्षता का जलवायु वर्गीकरण में भी महत्वपूर्ण स्थान बताया गया। कुल 12 महीनों की तापीय दक्षता के अनुपात के योग को तापीय दक्षता सूचकांक या टीई इंडेक्स नाम दिया गया और इसको 6 भागों में बांटा। अब इसका सूचकांक क्या है आप देख सकते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है अधिकतम 128। जिसका तापीय दक्षता सूचकांक 0 है उसे हमने एफ डैश या हिमाच्छादित प्रदेश नाम दिया। 1 से 15 तक वाला ई डैश या टुंड्रा प्रदेश, डी डैश टेगा प्रदेश, 16 से 31 तापीय सूचकांक, सी शीतोष्ण कटिबंधीय 32 से 63, बी डैश समशीतोष्ण 64 से 127 और ए डैश उष्ण कटिबंधीय 128 से अधिक। तो इस तरह से हमने थार्नथ्रेट महोदय द्वारा दिए गए वर्गीकरण में दो नए शब्दों के बारे में पढ़ा जिसे हमने वर्षण प्रभाविता सूचकांक और तापी दक्षता सूचकांक के नाम से देखा। अब इन दोनों ही सूचकांकों के आधार पर जलवायु के कई प्रकार बनते हैं, लेकिन थार्नथ्रेट ने मुख्य रूप से 32 जलवायु प्रकार निर्धारित किए और भारत में जो जलवायु प्रकार पाए जाते हैं उनमें 12 प्रकारों का वर्णन इन्होंने किया, जिन्हें ए ए डैश आर, बी ए डैश डब्ल्यू, बी बी डैश डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू, सी बी डैश डब्ल्यू, डी ए डैश डब्ल्यू, डी बी डैश डी, डी बी डैश डब्ल्यू, डी डैश या टेगा, ई या शीत जलवायु और ई डैश ई ए डैश डी उष्ण मरुस्थली जलवायु। इस तरह से इन्होंने भारत के 12 जलवायु प्रकारों का वर्णन किया। तो ये वर्गीकरण था हमारा थार्नथ्रेट महोदय का। अब हम एक वर्गीकरण और देखते हैं जो अमेरिका के ही विद्वान जी टी ट्रीवार्था ने दिया। इन्होंने कोपेन के जो वर्गीकरण थे उनमें कुछ संशोधन किया और भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। मुख्य रूप से इन्होंने भारत के 4 जलवायु प्रकार बताए और उन्हें ए बी सी और एच नाम से दर्शाया। इन चारों ही जलवायु प्रदेशों को पुनः 7 उपविभागों में विभाजित किया। अब इनके नाम देख सकते हैं हम। सबसे पहले ए जलवायु, ए का नाम हम पहले भी जान चुके हैं, इसे हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से व्यक्त करते हैं और ये ऐसे जलवायु क्षेत्र होते हैं जहाँ कभी भी तापमान
18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है। इसके अंतर्गत दो तरह के जलवायु प्रकार हैं, एएम और एडब्ल्यू। एएम मानसूनी वन प्रदेश होते हैं जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय प्रदेश त्रिपुरा, असम का कुछ भाग इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा जो भाग है वो एडब्ल्यू मानसूनी सवाना प्रकार की जलवायु, जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है और ग्रीष्मकाल में प्राप्त होती है। प्रायद्वीपीय भारत या पठारी प्रदेश इसी के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा बी जलवायु, जो किस प्रकार की है, उष्ण प्रकार की है। यहाँ पर वर्ष का काफ़ी समय शुष्क दशाओं वाला रहता है। इसे हमने कितने भागों में विभाजित किया है, इसके तीन प्रकार हैं, बी एस, बी एस एच और बी डब्ल्यू एच। बी एस की हम बात करते हैं, ये सवाना प्रकार की जलवायु है और प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेशों पर इसका विस्तार मिलता है। आप ये मैप देखिए, ये बी एस, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला भाग कर्नाटक का वृष्टि छाया प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र और पश्चिमी तमिलनाडु में इसका विस्तार है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा का औसत होता है। बी एस एच, यह उष्ण अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु का प्रकार है। गुजरात, एमपी, राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, ये प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश हैं जहाँ घास के मैदान हैं और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद आता है बी डब्ल्यू एच, उष्ण अर्ध उष्ण रेगिस्तानी जलवायु है, जो राजस्थान का पश्चिमी विभाग और कच्छ प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। यहाँ हमेशा तापमान बहुत उच्च रहते हैं और वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर से भी कम होता है और ऐसी दशाओं में कटीली झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सी जलवायु, जिसे हम अर्ध उष्ण कटिबंधीय प्रकार कहते हैं। यहाँ शीतकाल शुष्क और ठंडा होता है। इसी का एक प्रकार है सी ए डब्ल्यू, जो गंगा के मैदानी भागों पर मिलता है। पश्चिमी भाग में वर्षा कम और पूर्वी भागों में अधिक होती है। पश्चिमी भागों में वर्षा सर्दियों में चक्रवातों द्वारा प्राप्त होती है। पूरे प्रदेश में वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्मकाल में ही प्राप्त होता है और सर्दियों में तापमान का औसत 18 डिग्री से कम रहता है। और अंत में ये सबसे उत्तरी भाग एच, जो पर्वतीय जलवायु को संकेत करता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल, ये प्रदेश इस पर्वतीय जलवायु के अंतर्गत आती है। यहाँ तापमान काफ़ी कम रहते हैं, सर्दियों में चक्रवाती वर्षा और गर्मियों में मानसूनी वर्षा होती है और जो उच्च भाग हैं वहाँ सर्दियों में बर्फ भी गिरती है। तो ये महत्वपूर्ण विभाग त्रिवार्था के अनुसार थे। इसके बाद एक और विद्वान हुए थे भारत के, जिनका नाम है आर एल सी ए। इन्होंने भी भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ये आप मैप देख सकते हैं, ये नंबर भी डाल रखे हैं और इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे नंबर वन पर है अति आर्द्र उत्तर पूर्वी प्रदेश, जो अधिक वर्षा वाले प्रदेश हैं। नंबर टू में आते हैं सह्याद्री और पश्चिमी तटीय प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हैं। दक्षिण पूर्वी प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश हैं। उप आंध्र मध्यवर्ती भाग, उप आंध्र तटीय प्रदेश, महाद्वीपीय प्रदेश, उपोष्ण अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क और उष्ण प्रदेश, शुष्क प्रदेश और पश्चिमी हिमालय
प्रदेश। तो इस तरह से आरएल सिंह के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में विभाजित किया गया है। तो छात्रों, हम आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।